वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिविक्स चैप्टर 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, डाइवर्सिटी यानी विविधता। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया अर्थात वर्ल्ड विविधताओं से यानी डाइवर्सिटी से भरी हुई है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एंड प्लांट्स की विविधताएँ हैं। यहाँ उनके रहने की अलग अलग जगह हैं, उनके खाने की आदतें भी डिफरेंट हैं। इस जीवित दुनिया यानी लिविंग वर्ल्ड में एक ही परिवार के हजारों प्रजातियां स्पीसीज हैं। इनके पीछे जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों ही रीजन हैं। हालांकि इंसानों की समान विशेषताएं और प्रणालियां हैं जो समान रूप से कार्य करती हैं। हम इतने डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट फूड खाते हैं। इन्वायरमेंट के साथ साथ मनुष्य में भी विविधताएँ दिखती हैं। यह वह विविधताएं हैं जो हमारी दुनिया को एक इंटरेस्टिंग प्लेस बनाती हैं। इंडिया ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यानी सामाजिक समूह देखे जा सकते हैं। यहाँ के लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के खाना खाते हैं, उनकी आदतें भी डिफरेंट हैं तथा धार्मिक विश्वास और प्रार्थना करने के तरीके भी डिफरेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी अलग अलग कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं, पर्व त्योहार, पूजा प्रार्थना के तरीके सब अलग अलग हैं। अर्ली टाइम यानी प्राचीन समय में लोग फूड और लाइवलीहुड यानी आजीविका या रोजमर्रा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे और अधिक उपजाऊ यानी फर्टाइल लैंड की तलाश करते हुए उन्हें नई जगह अपनाने के लिए अपनी पुरानी स्टाइल को बदलना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने नई नई रीति रिवाजों को बनाया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी लैंग्वेज, फूड, रिलीजन और रीति रिवाज पुराने और नए के मिश्रण बन गए। लोग अलग अलग समूहों के साथ अलग अलग प्लेस पर व्यापार करने लगे। इस प्रकार उनमें से कई उस स्थान की जीवन शैली से प्रभावित भी हुए। डिफरेंट रिलीजन ने डिफरेंट कल्चर्स को डेवलप किया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को आकार दिया और प्रभावित किया। इन डिफरेंसेस को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी यानी आर्थिक विविधता। ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन एक क्षेत्र के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को निर्धारित करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग फिशिंग कर रहे होंगे, जबकि प्लेन एरियाज में रहने वाले लोग फसल उगाएंगे। हिल्स और डेजर्ट रीजन में रहने वाले लोग अदर ऑक्यूपेशंस में इंगेज रहेंगे। इस प्रकार उनकी ड्रेस, फूड और उनकी हैबिट्स भी एरिया के आधार पर डिफरेंट होंगी। जहां वे रहते हैं, भारतीय कल्चर हमेशा चेंज होती रहती है और बदलाव का कारण इंटरनल फैक्टर्स या अदर कंट्रीज के संपर्क में आने और उनसे नई तत्वों को अपनाने से होता है। आज एरोप्लेन और ईमेल के युग में वर्क करना या हॉलीडे ट्रेवल करना अधिक सामान्य, तेज और आसान हो गया है। यह कल्चरल ट्रेडिशन का एक स्थिर आदान प्रदान है। हम अपनी ट्रेडिशन को नई जगह ले जाते हैं और वहाँ के लाइफस्टाइल के तरीकों को अपनाते हैं। सोशल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक विविधता। जैसा कि आप जानते हैं, जाति प्रथा सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। एंशियंट टाइम से समाज को उनके कर्मों के आधार पर यानी कार्यों के आधार पर मुख्य चार जातियों में विभाजित किया गया था। एंशियंट ट्रेडिशन के कारण जाति व्यवस्था का उदय हुआ। इनके अनुसार एक विशेष जाति को एक विशेष कार्य करना चाहिए, अगली पीढ़ी को उसी व्यवसाय का पालन करना चाहिए, यानी नेक्स्ट जनरेशन को अपने पूर्वज के व्यवसाय को अपनाना चाहिए। समय के साथ साथ इसने उच्च सीढ़ी के मन में अविश्वास और जातियों के लिए श्रेष्ठता की भावना को जन्म दिया और निचली पीढ़ी की जाति के लिए अविश्वास और घृणा। तथा कथित उच्च जातियों ने अपने हित में जाति व्यवस्था का शोषण किया। भारत में आज तक कास्ट सिस्टम समाज में व्याप्त है यानी मौजूद है। समाज में उच्च वर्ग यानी हाई सोसाइटी और निम्न वर्ग यानी
लो सोसाइटीज़ के लोग हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता, संस्कृति समाज या सामाजिक समूह की विशेषताओं का एक समूह है। इसमें कला और साहित्य, जीवन शैली के साथ साथ रहने के तरीके, मूल्य प्रणाली, ट्रेडिशन और बिलीफ शामिल हैं, यानी विश्वास शामिल है। संस्कृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना मानवाधिकार का विषय है। सांस्कृतिक विविधता मौलिक स्वतंत्रता, विचार, विवेक, धर्म, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी की पसंद के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। यानी सभी को अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग व्यवहार करने का अधिकार है, अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी रीति रिवाज परंपराओं को मानने की स्वतंत्रता है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी यानी भाषा विविधता, यानी भाषाई विविधता। हमारे देश में भारत के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 लोकल लैंग्वेजेज हैं। इसके अलावा लोकल डाइवर्सिटीज भी हैं, जो हर 30 किलोमीटर पर बदल जाती हैं। 22 लोकल भाषाएं हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमिया, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी है। अंग्रेजी भाषा का उपयोग राज्य के भीतर आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाना जारी है, यानी अभी भी किया जाता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले किया जा रहा था और आज भी अपनी इच्छा अनुसार हम लोग अंग्रेजी को पढ़ते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी यानी धार्मिक विविधता, एक या दूसरे रूप में धार्मिक विविधता यानी धर्म दुनिया की अधिकांश आबादी के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार यह तय करता है कि वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं, किससे शादी करते हैं और कैसे सोचते हैं। एक ही धार्मिक आवेग से प्रेरित होकर विश्वासी यानी लोग अलग अलग काम करते हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध भिक्षु अपना सिर मुंडवा लेते हैं, जबकि कई सिख कभी भी अपने बाल नहीं कटवाते। कुछ लोग जोरदार संगीत और जीवंत नृत्य के साथ पूजा करते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से मौन रहते हैं। और जबकि कुछ धर्म बाद में भविष्य के जीवन का वादा करते हैं। लेकिन एक बात उन सभी में आम है, यानी खास है, सभी धर्म अच्छाई, दया और सद्भाव की आवश्यकता वाले जीवन को प्रोत्साहित करते हैं। लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। आजकल मुख्य धर्म हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी धर्म है। हम प्रार्थना करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं, लेकिन हम एक ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हिंदू एक मंदिर में प्रार्थना करते हैं, वे पूजा करते हैं, वे मिठाई और फूल चढ़ाते हैं। हिंदुओं का मुख्य पवित्र ग्रंथ भगवद गीता है। मुसलमान एक मस्जिद में प्रार्थना करता है, उनकी पवित्र पुस्तक कुरान है। वे दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। मुस्लिम महिलाएं घर पर प्रार्थना करती हैं। सिख गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं। सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। सिखों ने गुरुवाणी नामक भजन गाए। ईसाई एक चर्च में प्रार्थना करते हैं। वे यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी से प्रार्थना करते हैं। बाइबल ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है। हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, अर्थात हम सब एक हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता। हमारे देश में पाई जाने वाली विविधता हमारे राष्ट्र को यानी हमारे कंट्री को एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत देती है। विभिन्न भाषाओं, धर्मों और भोजन आदतों के बावजूद हमारे पास एक अंतर्निहित एकता है, यानी आपसी एकता है। साथ ही विभिन्न समुदायों के बीच यानी विभिन्न डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच एक इंटरडिपेंडेंस एलिमेंट है, यानी अन्योन्याश्रित तत्व है, जो हमें एक साथ एक सूत्र में बांधता है, यानी हमें एक साथ बांधे रखता है।
ग्रामीण समुदाय कस्बों और शहरों में भोजन की आपूर्ति करता है और शहरी समुदाय पर निर्भर करता है कि वह कपड़े, बिजली, कृषि के लिए मशीनों आदि की आपूर्ति करे। इस प्रकार हम विभिन्न आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह अन्योन्याश्रय संबंध है जो एक कड़ी और एकता का बंधन बनाता है। अंतर्निर्भरता यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना हमारे अपने देश की सीमाओं से परे मौजूद है, यानी हमारे देश की सीमाओं से बाहर भी है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार सेवाएं प्रत्येक के आर्थिक विकास में मदद करती है। वर्ल्ड को पीसफुल बनाने के लिए यानी विश्व को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमें अन्य समुदायों यानी अन्य कम्युनिटीज की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने की आवश्यकता है। अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विविधता और एकता के बारे में लिखा था और उन्होंने अनेकता में एकता का वाक्यांश गढ़ा था। उन्होंने कहा, भारत की विविधता ट्रिमेंडस है, फिर भी सभी मतभेदों के साथ लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक अपने अजीब विशेषताओं को बरकरार रखा यानी जारी रखा और इन युगों में विशिष्ट भारतीय रहे हैं। और कहने का मतलब यह है कि अपनी विविधताओं को जारी रखने में भारतीय प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सारी दुनिया विविधताओं से भरी हुई है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो या ह्यूमन बींग्स हो यानी हम लोग हो, सारी जगह विविधताएं भरी हुई है। यहाँ तक कि हमारी धरती भी एक समान नहीं है, कहीं माउंटेन है तो कहीं रिवर है, कहीं प्लेट्यू है तो कहीं प्लेन है। तो इस तरह से हर जगह विविधताएं व्याप्त हैं। हमारे रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, खाने पीने की आदतें, पोशाक, सब कुछ डिफरेंट है, फिर भी हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी अनेक होते हुए भी हम लोग आपस में एक हैं, यानी अनेकता में एकता वाला हमारा देश इंडिया है और हमें इस अनेकता में एकता का सम्मान करना चाहिए और अपनी एकता को हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।